हे गाइस, दिस इज ओम इंडिया, यू आर वाचिंग एमआरएससी व्लॉग्स। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज जो है हम जा रहे हैं देवरानी जेठानी मंदिर। तो ये जो है रायपुर से जाएंगे, सॉरी बिलासपुर से जाएंगे, तो 30 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। और जो है मनियारी नदी है, यहाँ पर देख सकते हैं मंदिर के बगल में ही है, मतलब मंदिर इस नदी के तट पर जो है बसी हुई है। और इस मंदिर के बारे में बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ें हैं जो मैं वीडियो में आगे भी बताऊँगा। फिलहाल जो है पहले अभी फ़िलहाल ये बरसात के मानसून समय है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी नहीं है। जब बरसात में मैं फिर से कभी आएंगे तो दिखा दूँगा कि मैं पूरा फुल पानी भरा रहता है। जो पहले अब मैंने वीडियो में दिखाया जो पुल क्रॉस कर रहे थे उसमें जो है क्रॉस नहीं करते, उसके लिए अलग से दूसरे साइड से रोड है, बस वो तो हमने डैम से गाड़ी निकाला है। तो ऐसा कुछ व्यू है गाइज नदी का, देख लो। इसके बाद जो है मैं मंदिर वगैरह का भी दिखाऊँगा। फिलहाल हम ये नदी पर हैं, तो गोल गोल पहले यहाँ पर गोल गोल घूमने का मन कर रहा है, तो पहले गोल 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 घूम ही लेते हैं। नज़ारा ही ऐसा है, देख लो नदी का क्या सीन है। फोटोग्राफी वगैरह हमने बहुत कर लिया है, और ये ऐसा कुछ मैं हूँ। और गाइस कभी जो है हम इसके बारे में जो है पुस्तकों में पढ़ते थे, आज घूम भी रहे हैं। तो ऐसी पौराणिक जगहों पर जाना चाहिए, अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है। तो ये है कुछ मंदिर। तो ये देवरानी जेठानी मंदिर ही का ही प्लेस है, बट क्या है ये अभी नवनिर्मित वाला मंदिर है। जो पुराना वाला मंदिर है मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, क्योंकि अभी जो मंदिर की घाट देख लीजिए, यहाँ पर बहुत सारे शिल्पकारी वगैरह किया हुआ है। और नदी का व्यू ऐसा है बरसात के मौसम में, तो यहाँ पर तो कुछ क्लिप्स वगैरह फ़ोटो के देख लीजिए कि मंदिर यहाँ से कैसा दिखता है। हरा भरा मौसम और समझ सकते हो क्या। तो यहाँ पर जो है अच्छी चीज़ें हैं, घूम लो, डालो, अगर आपका माइंड करे तो घूम ही लो, अच्छी चीज़ें हैं। और नदी में क्या है कि नदी में जो है पानी अगर अभी कम है तो फोटोग्राफी वगैरह अच्छी हो जाती है। और इस नदी के बारे में जो है यहाँ पर जो है देवरानी जेठानी मंदिर थी, तो हो सकता है कि यहाँ से जो है राजा महाराजा यहाँ से जो है पानी को ट्रांसफ़र करते रहे होंगे अपने यूजेस के लिए। और ये तो फिलहाल घाट पर है, तो और यहाँ से ऐसा कुछ व्यू है, मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। फिलहाल तो मैं आगे आगे चल रहा हूँ, और वीडियो जो है हमारे कैमरामैन सुयश भाई जो है वीडियो बना रहे हैं, तो वही बना रहे हैं वीडियो को, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है ऐसी मंदिर का व्यू है, और बगल में हरे भरे घास, और सामने जो है एक यहाँ पर बैठने वगैरह का, आप अगर टूरिस्ट पिकनिक वगैरह बनाने आए तो यहाँ पर आप आराम से बैठ सकते हैं। और नदी की घाट यहाँ पर बहुत सारे शिल्पकारी वगैरह किया हुआ है, तो उसके जो है क्लिप्स वगैरह आप देख लो, यहाँ पर कुछ इमेजेस हैं देख लो आप, घाट में ऐसे ही बने हुए हैं। और सामने उधर टॉयलेट वगैरह है, इमरजेंसी हो तो जा सकते हो। और ये नदी है, और मैं एक तो आपको रहस्यमय गुफा भी दिखा देता हूँ आगे उधर है, उसको भी गुफा मीन्स कुआं, सॉरी तो इधर कुआं भी है, वो देख लो, वो तो निकल गई शायद, बाद में दिखा दूंगा। ये जो है देव जेठानी मंदिर है, और इसके जो है कुछ क्लिप्स देख लो आप, ये कुछ इसका परिसर है, मंदिर परिसर जो घाट में दिखा रहा था वही ये वाला जो है शिल्पकारी वगैरह किया हुआ है, जो पत्थरों में इसका लाल पत्थर में जो है देखिए गणेश जी की मूर्ति है, शिव जी की मूर्ति है। और मंदिर वगैरह परिसर के ऐसे हैं व्यू, तो अच्छा आ रहा है, नदी यहाँ से ऐसा दिखता है। और जो मैं शिव जी की खंडित मूर्ति दिखा रहा थी ये वही है जो पुस्तक में हम इसके बारे में पढ़ते थे। तो गाइज ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाय।